हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय अकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग? आज हम लोग सी टेट 7 जुलाई 2024 के पेपर नंबर 2, मतलब जूनियर के पेपर को हल करने वाले हैं। देख लीजिए, मेन पेपर है, मेन बुकलेट है। इसमें यहाँ पर आपका टेस्ट बुकलेट नंबर होता है, ठीक है, जो भी पेपर का हो, MINKP जो भी हो। इसमें 5 सब्जेक्ट इसमें भी पूछे जाते हैं, जूनियर वाले में भी। ये पहला तो जो होता है चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, उसके बाद मैथ साइंस और सोशल साइंस, ठीक है। इनमें से आपको एक चूज करना होता है, 60-60 नंबर के होते हैं जो मैथ साइंस और सोशल स्टडीज़। इसके बाद लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकेंड। देखिए, जिसकी भी लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी होगी और लैंग्वेज सेकेंड इंग्लिश होगी, या वाइस वर्सा, लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश होगी, लैंग्वेज सेकेंड इंग्लिश होगी, उसके लिए केवल एक ही जो टेस्ट बुकलेट मिलेगी। अगर किसी ने संस्कृत है या अलग से कोई भी वाटिवर लैंग्वेज ले रखी है, तो उसके लिए आपको अलग से बुकलेट प्रोवाइड कराई जाएगी। यहाँ पर नेम ऑफ द कैंडिडेट है, रोल नंबर अंकों में है, वर्ड्स में है, ठीक है, परीक्षा केंद्र का नाम है, परीक्षार्थी के हस्ताक्षर वगैरह हैं, ये चीज़ें आपको फुलफिल करनी होती हैं। चलिए अपने पेपर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा पार्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, बाल विकास व शिक्षा शास्त्र। चलिए इसको जूम कर लेते हैं, जिससे आपको आराम से दिख जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। आज केवल एक ही क्वेश्चन देखेंगे एक बार में, जिससे जूम हो जाए। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है? मासूम और आश्रित, आज्ञाकारी और केवल ज्ञान का उपभोग करने में सक्षम, ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले, कमजोर और सुरक्षा की जरूरत। तो जो प्रगतिशील शिक्षा है, मतलब जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, इसके अनुसार जो बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं? वो ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले होते हैं, ठीक है। इंग्लिश में ये होगा नॉलेजेबल एंड मीन मेकर्स। इस प्रकार से हम लोग आराम से पेपर को डिस्कस करते हुए चलेंगे और बीच बीच में आपको कॉन्सेप्ट भी बता देंगे। चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होगी। प्रतिक्रिया का मतलब जो है यहाँ पर है फीडबैक, ठीक है। फीडबैक कब सबसे अधिक प्रभावी होगी? यह छात्रों को तुलनात्मक श्रेणी प्रदान करता है, यह सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात भी होता है, यह इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि बच्चा क्या नहीं कर सकता, बजाय इसके कि वह क्या कर सकता है। यह वर्ष के अंत में परीक्षण और परीक्षा पर केंद्रित है। तो मतलब फीडबैक कब दी जानी चाहिए, कब हमको प्रोवाइड करानी चाहिए बच्चों के लिए, कि आप क्या सीख सकते हैं क्या नहीं सीख सकते हैं। देखिए, आपको बच्चों की कभी भी तुलना नहीं करनी है आपस में, ठीक है। प्रत्येक बच्चा स्वयं में विशिष्ट होता है। तो इसका दूसरा वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, यह सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात भी होता है, ठीक है। तीसरा है हमारा असरसन और रीजन वाले क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अब बहुत पूछे जाते हैं, आराम से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है ये क्वेश्चन, प्राइमरी वाले पेपर में 5 पूछे गए आउट ऑफ 30, और इसमें भी लगभग ऐसे ही पूछे गए हैं, 5 क्वेश्चन इसमें भी पूछे गए हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को आराम से देखिए। अभिकथन क्या है हमारा, किशोरावस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्त्रुत्व या पुरुषत्व की परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ जाता है। कारण है, जेंडर और जेंडर भूमिकाएं जैविक रूप से निर्धारित की जाती है। नहीं, ये गलत हो गया। देखिए, जो जेंडर है और जेंडर भूमिकाएं जो जैविक नहीं, जो सामाजिक होती हैं। कैसी होती हैं? सामाजिक होती है। तो इसलिए कारण तो हमारा गलत हो गया, लेकिन ऊपर वाली बात सही। देखिए, अगर आप किशोरावस्था में हैं, 17 से 18, 19, 20 साल की उम्र में हैं, तब आप अगर मेल हैं तो आपको, ठीक है, मेल पुरुषत्व की तरफ ज़्यादा आपको आकर्षित, वो मतलब आपके अंदर वो चीज़ें हैं रोल के लिए आपको प्रोत्साहित किया जाएगा, ठीक है। और फीमेल है तब आपको जो है फीमेल की जो भी रोल्स होते हैं उनकी परंपराओं का आपको पालन करने के लिए कहा जाता है, कि मतलब जो लड़के हैं वो ये काम करेंगे, लड़कियां जो हैं वो ये काम करेंगी। तो ये भी सही है हमारा, अभिकथन सही है, लेकिन हमारा जो कारण है वो गलत है।
तो पहला ए सही है आर गलत है, ठीक है। तब देख लो ए सही है और लेकिन आर गलत है, तो इसमें तीसरा हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, सुनीता एक 12 वर्षीय लड़की विशेष संगीतीय क्षमता रखती है, उसके माता पिता दोनों ही निपुण गायक हैं, मतलब गाने में बहुत अच्छे हैं, और वे सुनीता को अपनी आवाज़ को और बेहतर बनाने के लिए प्रशिक्षण कक्षा में भेज रहे हैं। सुनीता की यह क्षमता संभावित रूप से किन कारणों के अंतःक्रिया का परिणाम है? देखिए, सुनीता के जो मम्मी पापा हैं, ठीक है, जो पेरेंट्स हैं सुनीता के, वो भी अच्छे गायक हैं, तो इसको अनुवांशिकता से भी जो जीनीय लक्षण है वो भी मिल गया संगीत के, ठीक है। तो ये तो हो गई उसकी अनुवांशिकता, क्या हो गई, हेरेडिटी। और साथ ही साथ वो प्रशिक्षण के लिए भी भेज रहे हैं, वो ट्रेनिंग भी दिलवा रहे हैं, मतलब वो वातावरण में भी जाके सीख रही। वातावरण का मतलब होता है जहाँ भी जाके हम सीखते हैं, हमारे आसपास, ठीक है। तो यहाँ पर किसके अनुक्रिया का परिणाम है? यहाँ पर अनुवांशिकता और वातावरण का परिणाम है। सुनीता की क्षमता संभावित रूप से किन कारकों के अंतःक्रिया का परिणाम है? अनुवांशिकता और वातावरण, तो इसका तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, संवेदनशील अवधि वह अवधि होती है जिसके दौरान कुछ विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होती, क्या महत्वपूर्ण होती हैं? उत्पत्ति मूलक कारक, मानव जाति कारक, पर्यावरणीय कारक, वंशानुगत कारक। तो सेंसिटिव पीरियड क्या होता है, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं, सेंसिटिव पीरियड्स आर दोज टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच सर्टेन डॉट 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 आर स्पेसिफिकली इम्पोर्टेंट फॉर कोर्स ऑफ नॉर्मल डेवलपमेंट। तो इसको कहते हैं हम पर्यावरणीय कारक। देखिए, जो हमारे आसपास का क्षेत्र होता है, जब वह अवधि जिसमें हमारा सबसे ज़्यादा विकास होता है, उसके लिए जो है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, तो पर्यावरणीय कारक। तो इसमें 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को, आप एक टीचर हैं, आप अपने बच्चों में जो समालोचनात्मक चिंतन है, क्रिटिकल थिंकिंग है, उसको विकसित करना चाह रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? केवल ऐसे ही सवाल पूछे जाने चाहिए जिनका एक ही उत्तर हो। विद्यार्थी को उनके संदेह और सवाल पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए कि क्वेश्चन मत पूछो, गलत बात है। ऐसे सवाल देने चाहिए जिनमें निष्कर्ष और व्याख्या शामिल हैं होते हैं। ऐसे तब चौथा वाला क्या ऑप्शन है हमारा? ऐसे सवालों से बचना चाहिए जिनमें विवेचन और विश्लेषण की आवश्यकता होती, बचना नहीं है, ठीक है। तो हमको बच्चों में समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए क्या करना चाहिए? ऐसे सवाल पूछने चाहिए जिनमें निष्कर्ष और व्याख्या शामिल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 है जी, ठीक है। एक शिक्षिका खुद से पूछती है, मतलब स्वयं से पूछती है, मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ जिसमें छात्रों को पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करने और उनकी वर्गीकरण के स्कीमों का विश्लेषण करने की आवश्यकता हो। वह छात्रों में किस बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है? लंबा चौड़ा इतना है, कहानी इतनी कही जा रही है, एक बात आप पकड़ लो। एक टीचर है, वो कहते हैं कि मुझे छात्रों को पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करने के लिए, मतलब पर्यावरणीय वो बुद्धि को विकसित करना चाह रही है, पर्यावरण के बारे में बताना चाह रही है, तो किस प्रकार की बुद्धि होगी? ये क्वेश्चन हॉवर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित है। भाषाई बुद्धिमत्ता, अंतर्वैक् बुद्धिमत्ता, प्राकृतिक बुद्धिमत्ता, शारीरिक गति संवेदी बुद्धिमत्ता। तो इसमें प्रकृति की बात की जा रही है, तो इसमें हो जाएगी हमारी प्राकृतिक बुद्धिमत्ता, केवल इसका इतना आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, महारत हासिल करने के लक्ष्य निर्धारित करने से छात्र की अभिप्रेरणा और योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रभावित होते हैं? मतलब आपको मास्टरी गोल्स और इम्पैक्ट, ठीक है, मास्टरी ओरिएंटेड आपको पढ़ना है, ठीक है। भाड़ में जाए नंबरबाजी, बस मुझे अच्छे से समझ में आना चाहिए, सीख जाए, ठीक
इसे कहते हैं मास्टरी ओरिएंटेड कोर्स, ठीक है, कि आपने इस सब्जेक्ट में इस चीज़ में मास्टरी हासिल कर ली है। तो इसमें किस प्रकार से संबंध होता है, तो देखिए ये अक्सर योग्यता के स्थिर दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक प्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। ये अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक प्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। यह अक्सर योग्यता के स्थिर दृष्टिकोण में बढ़ी हुई बाहरी प्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। यह अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई बाहरी प्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। देखिए आपको हमेशा योग्यता का बढ़ा हुआ रूप लेना है, ठीक है, एंटिटी व्यू ऑफ एबिलिटी लेना है। ये तो सही हो गया। तो इसमें जो हमारा दूसरा वाला होगा वो सही होगा। यह अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 9, रमा एक शिक्षिका है जो वाइगोत्स्की के सिद्धांत को अपनी कक्षा में लागू कर रही है और वह एक चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए अपने छात्रों को समूह में काम करने के लिए नियुक्त करती है। कार्य के दौरान एक छात्र एक महत्वपूर्ण संकल्पना को समझने में के लिए संघर्ष करता है। रमा के लिए इस छात्र की मदद करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या होगा? आप ये मान के चलिए कि आपका नाम मान लीजिए आरती है, आप एक टीचर हैं, ठीक है, आप बच्चों को पढ़ा रही थी लेकिन सभी बच्चे आराम से पढ़ रहे थे, एक बच्चा ऐसा था जिसको एक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रही थी, तब आप उस बच्चे को उस कॉन्सेप्ट को संकल्पना को समझाने के लिए क्या करेंगी, क्या बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपके पास? छात्र को समस्या का उत्तर प्रदान करें ताकि समूह आगे बढ़ सके, मतलब उस बच्चे को जो है उनका जो हम प्रिंट फॉर्म में उसका सलूशन दे देंगे और कहेंगे पूरी क्लास को जल्दी जल्दी सब लोग आगे बढ़ जाइए, क्या ऐसा करेंगे आप? छात्र को समस्या को स्वयं हल करने का प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित कर देंगे, हाँ सही लग रहा है। छात्र को एक अलग कार्य सौंप देंगे, नहीं अलग कार्य नहीं सौंपेंगे, नहीं तो डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा, भेदभाव हो जाएगा, ठीक है, वही काम उसको भी देंगे। छात्र के साथ समस्या पर काम करें और समूह के अन्य सदस्यों को शामिल करते हुए आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन और प्रतिपुष्टि प्रदान करें। देखिए इसमें दूसरे और चौथे में कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है, लेकिन चौथा ज़्यादा सही है क्योंकि इसमें अन्य सदस्यों को शामिल करने के बाद, ठीक है, रिसिप्रोकल लर्निंग की भी बात की जा रही है, तो इसलिए इसमें चौथा सही हो जाएगा। नवे में कौन सा शामिल सही है? नवे में चौथा शामिल है। क्वेश्चन नंबर 10, फिर असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है। अभिकथन, शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच बहस, चर्चा और सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। कारण, ज्ञान उत्पादन एक निष्क्रिय प्रक्रिया है और सामूहिक गतिविधियों में संलग्नता अर्थपूर्ण अधिगम में बाधा डालता है। बताइए क्या होगा इसका? नॉलेज प्रोडक्शन इज एन इनएक्टिव प्रोसेस। नॉलेज प्रोडक्शन जो है ज्ञान उत्पादन निष्क्रिय नहीं बल्कि कैसी प्रक्रिया होती है? सक्रिय प्रक्रिया होती है। तो ये तो यहीं पर गलत हो गया, रीजन जो है हमारा वो गलत है। अभिकथन क्या है? शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच बहस, चर्चा, सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल प्रोत्साहित करना चाहिए, बच्चों की बीच बढ़ावा देना चाहिए, किसको, किस चीज़ को, डिबेट है, डिस्कशन है और कोलाबोरेशन को, तो ये सही है। अब ए सही है आर गलत है, तो कौन सा हो जाएगा? ए सही और आर गलत, तो 10 में का 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 11, भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल है? मतलब जिसमें भावनाएं भी आ जाएं, ठीक है, हमारी पर्सनालिटी भी आए और सोशल रिलेशनशिप आ जाए। ये बहुत ज़्यादा स्टार वाला क्वेश्चन था, इसका आंसर मैक्सिमम लोगों का गलत गया था क्योंकि किसी ने तो इसमें व्यक्तित्व विकास लगाया, किसी ने भावनात्मक विकास लगाया, जबकि ये दोनों गलत थे। संज्ञानात्मक विकास तो मान लीजिए हो ही नहीं सकता था, ठीक है, तो इसका जो है, इसका जो आंसर था वो था मनोसामाजिक विकास, जो हमारा
साइको सोशल डेवलपमेंट होता है, ठीक है। इसमें सामाजिक और भावनात्मक दोनों विकास आ जाते हैं, ठीक है। पर्सनालिटी और इमोशनल, ये दोनों विकास आ जाते हैं। इसलिए इसका जो आंसर था वो था सामाजिक मनोसामाजिक विकास। तो 11 का 3। क्वेश्चन नंबर 12, क्या है? छात्रों के विविध समूह को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का सही वर्णन करता है? बताइए, सुविचारित, अनुकूलित, विभेदित, मानकीकृत। देखिए, मैंने कल जो आपको प्राइमरी वाला पेपर करवाया था, देखिए चाहे आप जूनियर के लिए ही केवल क्यों ना दे रहे हैं, आपको प्राइमरी वाली जो मैंने पेपर करवाया था आपको उसको भी करना चाहिए, क्योंकि उसमें मैंने CDP करवाई हुई है। उसमें मैंने आपको बताया है कॉन्सेप्ट कि जो मानकीकृत है, ठीक है, जो हमेशा निगेटिव वर्ड होता है, जो सही नहीं होता, तो ये तो गलत हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं। जब मानकीकृत होगा नहीं, चौथा वाला होगा नहीं, तो देखिए ये तो खल्लास हो गया, हो ही नहीं सकता, ये भी खल्लास, ये भी नहीं हो सकता बिल्कुल। अब ऑप्शन हमारे पास दो बचे, दूसरा और तीसरा। अब देखिए आपको क्या करना है, सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का वर्णन करना है, अपनी क्लास में बढ़ाना है। तो इसके लिए इंटेंशनल, ठीक है, अडेप्टिव, डिफ्रेंशिएटेड, मतलब सुविचारित, अनुकूलित, विभेदित, सभी प्रकार के हमको देना है, ठीक है, बच्चों के लिए, तभी बच्चे हमसे सही प्रकार से पढ़ेंगे। तो इसमें तीसरा वाला हमारा सही हो जाएगा। 13, अभिगतन। स्कूलों को उस ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए जो तैयार उत्पाद और सीखने के परिणामों का आकलन करते हैं। कारण है हमारा, सीखना पक्के तौर पर अनुक्रमिक और पदानुक्रमिक होता है, ठीक है। सीखना जो होता है वो हमारा अनुक्रमिक और पदानुक्रमिक नहीं होता। इसको इंग्लिश में कर लेते हैं क्वेश्चन को, देखिए, स्कूल शुड फंक्शन विद इन फ्रेमवर्क विच एस इज द फिनिशड प्रोडक्ट एंड लर्निंग आउटकम्स। लर्निंग इज टाइटली सिक्वेंशियल एंड हायरार्किकल। टाइटल जो टाइटली वर्ड है इसके कारण गलत हो गया, तो रीजन तो ऐसे ही गलत हो गया। हमारा जो अभिकथन है, स्कूल को बने बनाए हुए ढांचे के अंतर्गत नहीं कार्य करना है, मतलब रूढ़ीवादी तरीके से नहीं काम करना है, पढ़ाना लिखाना है भाई, चाक और टाक वाले मेथड से नहीं, बल्कि हमको बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज के माध्यम से पढ़ाना है, ठीक है, समथिंग इज न्यू, इस प्रकार से पढ़ाना है। इसलिए हमारा अभिकथन भी गलत हो गया। अब दोनों गलत हैं, ठीक है, बोथ ए एंड आर फॉल्स। इसका चौथा वाला हो जाएगा, ये चौथा वाला है, ठीक है, ये वाला इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है? लेव वाइगोत्स्की के क्या विचार है भाषा और विचार के संबंध में? भाषा विचार को आकार नहीं देती, विचार भाषा को आकार देते हैं, भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, भाषा और विचार विकास की एक जटिल विनिमय प्रक्रिया है। देखिए, वाइगोत्स्की जी ने कहा जो लैंग्वेज है हमारी और जो हमारे थाट हैं, ठीक है, लैंग्वेज और थाट है, मतलब विचार है, भाषा है, एक दूसरे से आपस में कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं, ठीक है। लैंग्वेज से हम विचार आता है और विचार से भाषा, इससे हम सीखते हैं। तो इसका जो 14 का 4 हो जाएगा, भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रियाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित युग्म है? मानदंड संदर्भित मूल्यांकन, विशिष्ट विषयों की महारत शामिल है, मानक संदर्भित मूल्यांकन साथियों के प्रदर्शन की तुलना करता है, रचनात्मक मूल्यांकन यह निर्धारित करना कि छात्र कक्षा से पहले और बाद में क्या कर सकते हैं, योगात्मक मूल्यांकन इसमें पेपर पेंसिल परीक्षण के साथ साथ गैर लिखित व्यवहारों के विस्तृत विवरण शामिल है। देखिए, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब दो प्रकार के टेस्ट होते हैं, वो होता है NRT, ठीक है, NRT कहिए या NRA कहिए, ठीक है, नॉर्म रिफरेंस्ड टेस्ट या नॉर्म रिप्रेजेंटेड असेसमेंट, एक होता CRT। जो हमारा NRT होता है,
इससे जैसे जो हमारे नौकरी वाले पेपर होते हैं, जैसे आपके मान लीजिए सुपर टेट हो गया, ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम है, बीपीएससी का जो फाइनल एग्ज़ाम हो गया, जिसमें मेरिट बनती है, जिसमें बच्चों की कंपेयर की जाती है, जिसमें मेरिट लिस्ट बनती है उसको एनआरटी कहते हैं, बच्चों की तुलना की जाती है, जो हाई मेरिट वाले होते हैं उनको ले लेते हैं, कम मेरिट वालों को छोड़ देते हैं। सीआईटी क्या था, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ए सी टेट जैसी है, टेट जैसी है, कि जैसे आप अगर 90 नंबर 150 में ले आए तो आपको पास मान लिया जाएगा। तो ये क्या एक क्राइटेरिया होता है, ठीक है, तो इसमें सही सुमेलित इसमें कौन सा है, तो इसमें जो है हमारा दूसरा वाला हो जाएगा एनआरटी, मानक संदर्भित मूल्यांकन, कंपेयर्स परफॉर्मेंस टू दैट ऑफ पीयर्स, यही हमारा सही। सोलह क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से क्या दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को कक्षा में भागीदारी लेने में बाधा डालता है, ठीक है, मतलब डिस्टरबेंस क्रिएट करता है। इलेक्ट्रॉन, एक तो बच्चे को दिखाई कम देता है, ठीक है, बच्चे को दिखाई कम देता है उसको, ठीक है, विजुअल इम्पेयरमेंट है, दिखाई कम देता है, तो उसको किस चीज़ से हमें बचना चाहिए, देखिए, उभरी हुई रेखा चित्र और मानचित्र देना चाहिए जिससे वो छूकर देख सके, ये भी सही है। ग्राफिक सामग्री के इस स्पर्शीय तरीके से मतलब छू करके, ये भी सही है। इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रारूपित व्याख्यान प्रतिलेखन, मतलब कि जो उसको हम ऑडियो फॉर्म में कोई लेक्चर प्रोवाइड करा दें, ये भी सही है, अगर उसको देखने में प्रॉब्लम होती है। किस चीज़ को कौन सी चीज़ बाधा डालेगी, तो देखिए प्रिंटेड टेक्स्ट बुक एंड नोट्स, एक तो उसको दिखाई कम देता है, अगर आप उसको प्रिंटेड टेक्स्ट बुक और नोट्स प्रोवाइड करेंगे तो उसको पढ़ने में प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए जो उसका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दूसरा, मुद्रित पुस्तकें और नोट्स। क्वेश्चन नंबर 17, लॉरेंस कोलबर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया है, किस विधि से उन्होंने सिखाया है, ठीक है, नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए। मात्रात्मक शोध कार्य विधि, बच्चों के सामने नैतिक दुविधा रखना और अनुक्रियाओं की समालोचना करना, खेल के दौरान बच्चों का अवलोकन करना, प्रायोगिक विधि। तो जो लॉरेंस कोलबर्ग हैं, इन्होंने बच्चों में नैतिकता का विकास करने के लिए, सीखने के लिए, अध्ययन करने के लिए जो हाइपोथेटिकल सिचुएशन से उनको रखा है, ठीक है, काल्पनिक कथाएं कहानियां सुनाई, फिर उनसे उन्होंने निकाला, जिसमें एक इनकी प्रसिद्ध कहानी थी हिंज और किलारा की, ठीक है, हिंज और किलारा वाली कहानी भी है एक, तो इसका दूसरा वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, रचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों को अधिगम की ओर ले जाता है, जो हमारा कंस्ट्रक्टिविस्ट होता है, इसको भी कल मैंने बताया था। देखिए रचनावादी का मतलब होता है इसके अनुसार बच्चे स्वयं ज्ञान के निर्माता होते हैं, तो रचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों किस ओर ले जाता है, खोज आधारित, अर्थहीन, यंत्रवत, ग्रहणशील। तो रचनावादी जो हमारा दृष्टिकोण होता है, जो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच होता है, वो बच्चों को डिस्कवरी की तरफ ले जाता है, खोज आधारित अधिगम की तरफ ले जाता है, लर्निंग बाय डूइंग, स्वयं करके सीखो। क्वेश्चन नंबर 19, पठन वैकल्य मतलब डिसलेक्सिया से जूझ रहे छात्रों को पढ़ाना सिखाया जा सकता है। एक बच्चा जो उसको डिसलेक्सिया है, मतलब वो बच्चा उल्टा देखता है, जैसे सा लिखा है उसको बाज दिखाई देगा, ठीक है, उल्टा दिखता है, तो उसको आप कैसे पढ़ा सकते हैं, व्यवस्थित ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से, उच्च ग्रेड स्तर के पठन ग्रंथ प्रदान करके, लंबे और जटिल गद्यांश देकर, अनुकूलन की अनुबंधन विधि के माध्यम से। तो आप कैसे पढ़ाएंगे डिसलेक्सिया वाले बच्चे, तो डिसलेक्सिया वाले बच्चे को हम व्यवस्थित ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से पढ़ा सकते हैं, थ्रू सिस्टमेटिक फोनोलॉजिकल लर्निंग। 19 का एक। 20वां, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत यह बताता है कि क्या है, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, व्यवहार को दंड और पुरस्कार के माध्यम से अनुकूलित किया जाना चाहिए, अवधारणाओं को जटिल से सरल के क्रम में सिखाया जाना चाहिए,
पाठ्यक्रम को बच्चों के आयु समूह व चरणों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए। शिक्षण का बल गतिविधि के परिणाम पर होना चाहिए, ना कि सोचने की प्रक्रिया पर। बताइए संज्ञानात्मक विचार का सिद्धांत क्या है जीन पियाजे का? तो इन्होंने देखिए सीखने की चार अवस्थाएं दी हैं, जिनको हम एक्रोनिम ESPCF के द्वारा भी ध्यान रख सकते हैं। चार अवस्थाएं से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके जीन पियाजे के अनुसार जो बच्चों का विकास होता है वो चरणों में होता है, इसलिए इन्होंने बात कही है कि बच्चों का जो पाठ्यक्रम है वो आयु के अनुसार, ठीक है, ध्यान में रखकर बनाना चाहिए। 20 का 3, 21 क्या है हमारा? 21 है हमारा। आप एक शिक्षक हैं जो अपने छात्रों को परासंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देने में सबसे अधिक संभावना है? परासंज्ञानात्मक कौशल क्या होता है पता है? मेटा कोग्निटिव। तो इसके लिए आपको करना क्या चाहिए? देखिए मेटा कोग्निटिव क्या होता है? परासंज्ञानात्मक का मतलब थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, अपने आप के स्वयं के बारे में सोचना कि जो मैं काम कर रहा हूँ क्या सही है या गलत है, स्वयं के बारे में ही विचार रखना, इसे कहते हैं परासंज्ञानात्मक कौशल। तो ये क्या होता है? छात्रों को उनके प्रदर्शन पर गुणात्मक प्रतिपुष्टि के बजाय अंक देना, छात्रों को अपने स्वयं के सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना, विद्यार्थियों को सत्रीय कार्य के लिए संसारित नोट्स प्रदान करना, गृह कार्य सौंपना जिसके लिए याद रखने और याद करने की आवश्यकता होती है। बताइए तो परम संज्ञानात्मक कौशल अभी मैंने क्या बताया? छात्रों को स्वयं के सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना, तो इसका सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वालीन के संदर्भ में सही है? स्वालीन क्या होता है? आर्टिज्म जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में, ये ज़्यादा अच्छे से ध्यान रहेगा। आर्टिज्म आपने सुना होगा। आर्टिज्म होता क्या है? आर्टिज्म का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति अपने आप से स्वयं से किसी काम को बार बार करता है, उसको ध्यान ही नहीं रह जाता, उसके सामाजिक संबंध कम होते हैं। तो ये आर्टिज्म क्या है, क्या होता है आर्टिज्म? स्वालीनता वाले सभी लोगों में कम से कम एक विशेष कौशल होता है। स्वालीनता एक तंत्र के विकासात्मक विकार है। स्वालीनता केवल वातावरण कारकों के कारण होता है। स्वालीनता का इलाज किया जा सकता है, उम्र के साथ इसमें सुधार आता है। तो स्वालीनता क्या है? आर्टिज्म क्या है? आर्टिज्म इज ए न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। तो दूसरा हो जाएगा स्वालीनता एक तंत्र की विकासात्मक विकार है। 22 का 2। क्वेश्चन नंबर 23, पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांतों में एक प्रमुख समानता है। क्या समानता है पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांत में? भाषा और विचार के बीच संबंध के बारे में उनके चिंतन, बच्चों के विकास में चरण जैसी प्रकृति पर ध्यान, ये तो वह जीन पियाजे ने कही है, बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव, संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में संस्कृति की भूमिका। देखिए जो जीन पियाजे हैं और लेब वाइगोत्स्की हैं, इन दोनों लोगों में ये समानता है कि दोनों लोग जो है सीखना कैसा समझते हैं, इन्वॉल्वमेंट और इंगेजमेंट के द्वारा। इसलिए इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 23 का 3। 24, क्वेश्चन नंबर 24 आ गया हमारा। अभिकथन ए, शिक्षकों को शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए और सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अपने शिक्षण को समायोजित करना चाहिए। कारण, शिक्षकों को विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को पढ़ाते समय उनके बीच सहयोग कार्य और बातचीत से बचना चाहिए। तो पहला क्या, व्यक्तिगत भिन्नताओं, आपको हमेशा अपनी क्लास में व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं में विशिष्ट होता है।
सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अपने शिक्षण को समायोजित करना बिल्कुल सही है। कारण क्या है? शिक्षकों को विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को पढ़ाते समय उनके बीच सहयोग, समूह कार्य और बातचीत से बचना नहीं चाहिए। बचना का मतलब नहीं करना चाहिए, ये गलत हो गया। ठीक है, हमको करना चाहिए तो इसलिए गलत हो गया जी। तो ए सही है, आर गलत था। ए सही है, आर गलत है, तीसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, किस अधिगम की रणनीति में बच्चों द्वारा दूसरों को सिखाना शामिल है जो उन्होंने सीखा है। मतलब हमने जो सीखा हम आपको सिखा रहे हैं, आप किसी दूसरे को सिखा रहे हैं। लर्निंग फ्रॉम ईच अदर, इसके किस प्रकार की लर्निंग कहते हैं? अनुबंधन अधिगम, रटकर सीखना, व्याख्यात्मक शिक्षण, पारस्परिक शिक्षण। तो इसको हम कहते हैं पारस्परिक शिक्षण, रेसिप्रोकल टीचिंग, लर्निंग फ्रॉम ईच अदर। जैसे जो क्लासरूम है इसमें मान लो 20 बच्चे हैं, ठीक है, जो सभी बच्चे हैं एक दूसरे से सीख रहे हैं, तो इसको ही कम कहते हैं पारस्परिक शिक्षण, लर्निंग फ्रॉम ईच अदर। जे इनसे सीख रहा है, जे इनसे सीख रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे। 26, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है हमारा? अभिकथन, एशियाई संस्कृतियों में जो सामाजिक सद्भावना पर जोर देते हैं, क्रोध की अभिव्यक्ति को हतोत्साहित किया जाता है और शर्म को प्रोत्साहित किया जाता है। भावनाएं व्यक्तिपरक होते हैं, सीखने में कोई भूमिका नहीं होती है। जो हमारे भावनाएं क्या, उनकी सीखने में कोई भूमिका नहीं होती, गलत है। भावनाओं के माध्यम से ही हम सीखते हैं, तो भावनाओं का हमारे सीखने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, तो ये तो गलत हो गया। लेकिन क्या है कि एशियाई संस्कृतियों में जिसमें हम रह रहे हैं, जैसे भारत है, ठीक है, इंडिया है, क्या इसमें क्रोध को हतोत्साहित किया जाता है कि भाई गुस्सा कम करिए, ठीक है, गुस्सा को कम करिए, सही बात है, और शर्म को प्रोत्साहित किया जाता है, ठीक है। तो ये पहला सही है, रीजन गलत है, ठीक है, और जो अभिकथन है ए है वो सही है। तो ए सही है लेकिन आर गलत है, इसका तीसरा सही हो जाएगा। कौन सा था? 26 था। 27 नंबर देखते हैं, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे वयस्कों से किस प्रकार भिन्न होते हैं। पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कि बच्चों में और वयस्कों में अंतर क्या है, किस प्रकार से अलग अलग होते हैं। बच्चे वयस्कों पर निर्भर होते हैं जबकि वयस्क स्वतंत्र होते हैं। बच्चों की तुलना में वयस्क बहुत अधिक ज्ञानी होते हैं। बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। देखिए, सॉरी मैं आपको बताऊं, देखिए जैसे जे एक बच्चा है, ठीक है, जे एक बच्चा है, जे एक अडल्ट है, इसके भी माइंड में, बच्चे के भी माइंड में, ठीक है, जे अडल्ट है, जे हमारा चाइल्ड है, इसके भी माइंड में 1 लाख थाट आ रहे हैं, इसके भी माइंड में 1 लाख थाट आ रहे हैं। अब जो वयस्क का, जैसे हम लोग हैं, तो हम लोग किसके बारे में सोच रहे हैं? नौकरी है, शादी है, ठीक है, फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम चल रही है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, आगे की लाइफ में क्या होगा, कब वैकेंसी निकलने की, हम ये चीज़ें सोच रहे हैं, ठीक है, सोच हम भी रहे हैं, 1 लाख थाट हमारे भी माइंड में आ रहे हैं। बच्चे क्या सोच रहे हैं, ठीक है, कि किसके साथ मुझे खेलना है, किसके साथ मुझे नहीं खेलना, किससे मेरी लड़ाई हो गई, मुझे कौन सी कार लेनी है, कौन सा झूला झूलना है, ठीक है, क्या खाना है, क्या कपड़े लेने हैं, तो ये भी सोच रहे हैं। हम लोग क्या है, अलग सोच रहे हैं, तो सोच दोनों है, तो क्वालिटी में अंतर होता है, ठीक है, क्वांटिटी बराबर होती है, ठीक है, मात्रात्मक समान होते हैं लेकिन गुणात्मक रूप से भिन्न होती है बच्चों की सोच। तो इसका तीसरा हो जाए, बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। भाई हम लोग क्या है, अपने ब्रेकअप के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, कि किसी का ब्रेकअप हो गया, देवदास बना घूम रहा है, सोच तो वो भी रहा है, जबकि बच्चे इस प्रकार से नहीं सोचते, तो तरीका अलग होता है, ठीक है, मात्रा समान होती है। तो 27 का 3, 28, निम्न में से कौन सा प्रश्न विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है? बताइए, विश्लेषणात्मक चिंतन को हम कहते हैं एनालिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देगा।
भारत की राजधानी है, भारत की राजधानी कहाँ है? एक बार में ही आपने उत्तर दे दिया कि भारत की राजधानी दिल्ली है। इसमें क्या आपने दिमाग लगाया? कोई नहीं लगाया। भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं, ठीक है, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसमें क्या दिमाग लगाया? कुछ नहीं। भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? मान लीजिए आपने बता दिया 121 करोड़। इसमें क्या है? सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है। एनालिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है जिसमें हमको ज़्यादा सोचना विचारना पड़ता है। तब चौथा हमारा सही है। भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारण क्या है? इसमें आप एक से ज़्यादा चीज़ें बताएंगे, ठीक है, आप सोचने पर ज़्यादा ध्यान देंगे, ये आपकी एनालिटिकल थिंकिंग को विकसित करता है। तो 28 का कौन सा सही हो जाएगा? 28 का 4 सही हो जाएगा। 29 बताइए, समावेशी कक्षाओं, समावेशी कक्षा क्या होती है? इंक्लूसिव क्लासरूम को पहचानना चाहिए कि हर बच्चा एक ही दर और एक ही समय में सीखेगा। समावेशी कक्षाओं में विशेष बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक अलग शैक्षिक कार्यक्रम पेश किया जाता है। तीसरा, अलग अलग भिन्नताओं के अनुसार विभेदित निर्देश दिए जाते हैं। चौथा, बच्चों के बीच हर तरह की विभिन्नता को दूर करने का लक्ष्य रखती है। तो जो समावेशी कक्षा होती है, जो समावेशी क्लासरूम होती है, वो कहती है कि जिस प्रकार के बच्चे की डिमांड है उसी प्रकार से उसकी चीज़ों को प्रोवाइड कीजिए। अगर किसी बच्चे को देखने में प्रॉब्लम होती है तो मान लीजिए उसको आगे बैठा दिया, ठीक है, या किसी को हियरिंग प्रॉब्लम है तो उसके लिए इक्विपमेंट प्रोवाइड करा दिया, तो सभी बच्चों को उनकी आवश्यकता के अनुसार ट्रीटमेंट करना, ये कहती है हमारी समावेशी शिक्षा। लास्ट क्वेश्चन है, फिर असर्शन और रीजन वाला ही क्वेश्चन है। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। अभिकथन, शिक्षकों को बच्चों को प्रयोग के लिए बहुत सारे अवसर देने चाहिए और उदाहरणों और गैर उदाहरणों पर चर्चा करनी चाहिए। कारण है, बच्चों में गलत धारणाओं से निपटने का एक रचनात्मक तरीका विपरीत उदाहरण प्रदान करना है। क्या होगा इसका आंसर? जैसे आपने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ी, फिर आपका उसको उदाहरण बता दिया गया और उसका जो उदाहरण नहीं है वो भी बता दिया गया, तब आपकी चीज़ वो समझ में आ जाएगी कि ठीक है, जे इसका उदाहरण है, जे इसका उदाहरण नहीं हो सकता है। दूसरी में क्या, अगर आपने किसी चीज़ के भी बारे में आपने गलत अवधारणा बना रखी है, ठीक है, अगर मैं आपको उसका उदाहरण दे दूं तो आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगी, बिल्कुल समझ में आ जाएगी, और उसका अगर काउंटर एग्जाम्पल दे देंगे तब और अच्छे से आपके माइंड में समझ में आ जाएगी। देखिए, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक प्राइमरी में क्वेश्चन आता था कि एक बच्चा है, वो कहता है कि ये जो कटोरा है, एक कटोरे में जो पानी है, ठीक है, एक कटोरे में जो पानी भरा हुआ है, जब उसको धूप में रखा गया तो बच्चा कहता है इसको भगवान ने पी लिया, ठीक है, समुद्र खा गया, इस पर भगवान पी गए, या इस प्रकार की बातें करता है, ठीक है, धूप में रखा जाता तब क्या होता है? जबकि पानी जो है बाष्पीकरण के माध्यम से ऐसे ऊपर उड़ जाता है, ठीक है, ऐसे उड़ जाता है। तो बच्चे की जो अवधारणा, इसको हम इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझा सकते हैं कि नहीं समझा सकते हैं? कि भगवान ने पानी नहीं पिया, जो हम पानी को धूप में रखे तब वो बाष्पीकरण के द्वारा उड़ गया। एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम समझा सकते हैं। दोनों सही हैं। और ऊपर की बात देखिए, नीचे भी की जा रही, इनकी यही ट्रिक है, ऊपर भी जो बात है नीचे भी यही बात है, तब ये इसको एक्सप्लेन करेगा, व्याख्या करेगा, तो इसलिए 30 का पहला हमारा सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और ए और आर की सही व्याख्या करता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कैसी लगी क्लास जरूर बताएं इसके बारे में, ठीक है। अभी तो हमने केवल आपको पेपर सॉल्व करवाया, अभी हमने आपको जब और ज़्यादा कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे तो आपकी और ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी हो जाएगी। सभी लोग क्लास को शेयर कर दिया करें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, और आपका भी कोई लॉस नहीं होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।